नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनकड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे हैं और कानपुर में रात करीब 2:30 बजे ये हादसा हुआ है। रेलवे ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हावड़ा रूट पर कई ट्रेनें लेट हुई हैं और साथ ही साथ कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कानपुर में शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे ट्रेन हादसा हो गया। गाड़ी संख्या 19168 साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के निकट हुआ है। ड्राइवर के अनुसार प्रथम दृष्टि बोल्डर इंजन से टकराया है। यह ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। फिलहाल कोई यात्री हताहत नहीं हुआ है। रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंच गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेल ने कहा है कि हादसा बोल्डर टकराने से हुआ है। हादसे के चलते कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कानपुर से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए हैं। कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह का कहना है कि करीब 22 कोच पटरी से उतरे हैं। वो और एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। कोई हताहत इस हादसे में नहीं हुआ है। कुछ लोगों को मामूली खरोंचे जरूर आई हैं। कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। एम्बुलेंस खड़ी है। जो यात्री हैं उन्हें उनके गंतव्य तक या रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। देखिए, इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं हादसे के बाद, लेकिन इससे पहले भी अभी हाल ही में एक और ट्रेन के साथ इसी तरह का हादसा हुआ था और उसके बाद अब महज कुछ ही दिनों के अंतराल में एक और ट्रेन अपनी पटरी से उतरी है और बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया है, क्योंकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामूली खरोंचे ज़रूर पैसेंजर्स को आई हैं, लेकिन बड़ा हादसा होने से यहाँ बच गया। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर क्यों कुछ ही दिनों के अंतराल में एक और ऐसा हादसा देखने को मिला। और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का।